गाइस व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनजे फन एंड लर्निंग। सो आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही यमी ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है सूजी बेसन का चीला। एज आप सबको पता है गाइस कि चीला दही के साथ बनता है, बट ये चीला दही के बिना बना है, विदाउट कर्ड, एंड बिलीव मी ये बहुत टेस्टी है। सो आइए जानते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले डाला मैंने 1 कप सूजी, उसके बाद मैं डालूंगी 1/4 कप बेसन। आफ्टर दैट हम लोग जो हमारे किचन में मसाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम वो डाल लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 स्पून मैंने लिया है टर्मरिक पाउडर में हल्दी, उसके बाद मैंने 1 स्पून लिया लाल मिर्च पाउडर, देन मैंने डाला है 1 स्पून ऑफ द साल्ट नमक। आपको जितना चाहिए आप उतना डाल सकते हो अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद मैंने डाला है 1 स्पून धनिया पाउडर, देन 2 स्पून ऑफ आमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर जो होता है हमारा ड्राई मैंगो पाउडर, आप वो डाल सकते हो। हमने 1 कप वाटर डाला है सबसे पहले, उसके बाद हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से उसे स्टिर कर लेंगे। उसके बाद हम फिर से दूसरा कप पानी डालेंगे और उसे अच्छे से फिर से मिक्सअप कर लेंगे। एज हमने 1 कप सूजी डाली थी उसके लिए हमें 2 कप ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी। जब आप अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख दीजिए, ठीक है। एंड आफ्टर 15 मिनट्स आपको हरी मिर्च डालनी है, थोड़ी कैप्सिकम ले लीजिए, थोड़े टमाटोज ले लीजिए, थोड़े अनियंस, आपको जो वेजेस चाहिए आप वो ले सकते हैं, एंड उसको अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए, उसको अच्छे से स्टिर कर लीजिए विस्क की हेल्प से। बैटर की कंसिस्टेंसी पे थोड़ा ध्यान दें, अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही है उसमें थोड़ा पानी डाल लो, उसे थोड़ा सा पतला बना लो, पर इतना भी पतला मत बनाना बिकॉज चीला का जो बैटर होता है वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है। आफ्टर दैट हीट द पैन, पैन को अच्छे से गर्म कर लो और उसके अंदर और ऑयल को थोड़ा चारों तरफ फैलाकर बैटर डालें, उसके अंदर 2 स्पून ऑफ बैटर डालें, एंड आफ्टर दैट उसको थोड़ा ऐसे गोल आकार में शेप दे दें। एंड रिमेंबर गाइज डैट इस टाइम आपको आंच थोड़ी मीडियम पे रखनी है और फिर आपको ऐसे चीले के साइड पे ड्राई सरफेस आने का वेट करना है, एंड आफ्टर दैट आपको फ्लिप कर देना है चीले को ताकि वो दूसरी तरफ से अच्छे से सिक जाए, ऐसे गोल्डन रंग आना चाहिए। आफ्टर दैट जब गोल्डन रंग आ जाता है आप उसको दूसरी तरफ भी फ्लिप कर लें, सुंदर सा ब्राउनिश गोल्डनिश रंग आना चाहिए। एंड आफ्टर दैट जब आपका चीला हो जाता है उसे अच्छे से प्लेटिंग कर लें, फिर से आप पैन को हीट करके उसके अंदर ऑयल डाल लीजिए और उसे अच्छे से चारों तरफ फैला दीजिए, और उसके बाद फिर 2 स्पून ऑफ बैटर उसके अंदर डालिए और उसे चारों तरफ फैलाकर एक सर्कल की शेप में उसे शेप दे दीजिए। एंड आफ्टर दैट उसके ड्राई होने का वेट कीजिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मेरा चीला ड्राई हो चुका है और उसको मैंने स्पैचुला की मदद से उसे मैंने फ्लिप आउट कर दिया है, ये मैंने उसे फ्लिप कर दिया। ऐसे गोल्डनिश कलर आना चाहिए उसके अंदर, और जब ये आ जाता आप फिर उसको दूसरी तरफ फ्लिप कर दीजिए ताकि वो दूसरी तरफ की ओर सिक जाए। एंड आफ्टर दैट मैं अपने दूसरे चीले की भी प्लेटिंग कर लूंगी। एंड गाइस मेरा चीला तैयार हो चुका है एंड इट्स सो यमी, काइंडली ट्राई इट, इसे ट्राई करना और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।